हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू जियो माइंड। और आज हम बात करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, सो माय नेम इज स्वप्निल सिंह बिस्ट, और हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है मैग्नेटिक रिवर्सल्स। सो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें आजकल न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता जा रहा है। ओके, सो क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक रिवर्सल्स एक्चुअली में होते क्या हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और मैग्नेटिक रिवर्सल्स के इम्पैक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक रिवर्सल्स का अर्थ पे और ह्यूमन लाइफ पे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी विल नॉट गो मच इनटू द फिजिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दिस वीडियो इज मेड फॉर जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी एस्पायरेंट्स। So we will look into the magnetic field from the perspective of geology and geography. Okay. So if you like this video, please subscribe to the channel and comment down below your thoughts, your opinions, and if you find anything odd about this video or any irregularities, you can comment in the comment box down below. So let's start. So सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो आप सबको सभी को पता है कि जो अगर आप कंपास लेंगे और किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो जो नॉर्थ नीडल होती है वो हमारी ज्योग्राफिक नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो वो कैसे बिहेव करता है? वो ऐसे बिहेव करता है कि मानो हमने पृथ्वी के बीच में एक जायंट बार मैग्नेट रख दिया हो। ठीक है, जिसके दो पोल हो, नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड सॉरी नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे जो लाइंस आप देख रहे हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस है अर्थ का वो है। ठीक है, और साउथ से लाइंस निकल रही हैं, नॉर्थ की तरफ डिप कर रही हैं। यहाँ पे जो नीडल्स दिख रही हैं ये कंपास की नीडल दर्शाई गई है। नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है नॉर्थ का नीडल, साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है साउथ का नीडल। ठीक है, यहाँ पे दो लाइंस आपको दिख रही होंगी, तो ये वाली लाइंस जो है वो है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक पोल। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 11.5 डिग्री का अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ये हमारी कोर की इमेज है, ये आउटर कोर है। आप सभी को पता है कि आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड आयरन एंड निकल। देन दिस इज इनर कोर जो कि सॉलिड आयरन निकल का बना होता है। ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है वो उसका राज इस इमेज में छिपा हुआ है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे। फिर हम पढ़ते हैं अर्थ के जो मैग्नेटोस्फेयर होता है, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे ये स्केल में दे रखा है, और यहाँ पे हालांकि स्केल नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं इमेज में कि अर्थ कितनी छोटी है और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बड़ा एरिया स्वीप कर रहा है, एज यू कैन सी है। सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिखता है अगर आप इसे देखेंगे। ठीक है, तो नेकेड आई से ये दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके देखा देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे दिखता है। तो इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। तो ये जो आगे की लेयर होती है ये कुछ ऐसे सी शेप में, इसको हम बोलते हैं बो शॉक। बो शॉक से ही सबसे पहले जो अर्थ के जो सन के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल रेज होती हैं वो बो शॉक से टकराती हैं। ठीक है, यहाँ पे टकराएंगी और ये फिर ऐसे ऐसे करके हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है। और ऑरोरास सबने सुना होगा, ऑरोरास या नॉर्दर्न लाइट्स। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पोल्स में, अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे ब्यूटीफुल फिनोमिना देखने को मिलता है, क्योंकि जब सन के चार्ज पार्टिकल्स हमारे एटमोसफेयर से रिएक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। सो नॉर्थ, जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में ऑरोरास दिखते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। एंड सदर हेमिस्फेयर में दिखते हैं तो क्या बोलते हैं हम, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, और आगे बात करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ डिटेल्ड इलस्ट्रेशन ऑफ मैग्नेटोस्फेयर। सो यहाँ से हमारी सोलर विंड आ रही है जिसमें हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज वगैरह, और बो शॉक से इंटरेक्ट करती हैं।
देन दिस इज मैग्नेटो शीथ, ये वाली लेयर है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेल्ट्स आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वैन एलन बेल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स ट्रैप्ड रहते हैं, एंड दिस इज अवर अर्थ। ये टाइनी सा दिख रहा है, यहाँ पे ई सुपर इम्पोज कर दिया गया है, लेकिन अर्थ काफी टाइनी है यहाँ पे। एंड ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे अर्थ रेडियाई में हमें डिस्टेंस दे रखी है। अर्थ रेडियाई माने माने कि हमारा अर्थ का रेडियस कितना है, 6,371 किलोमीटर है, तो टाइम्स इतना इतना दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कितना बड़ा है, ठीक है। सो दीज आर वैन एलन बेल्ट्स, इनके बारे में भी अभी बात करेंगे आगे, ठीक है। सो वैन एलन बेल्ट्स क्या होती हैं? दो बेल्ट्स होती हैं, एक आउटर बेल्ट होती है, एक इनर वैन एलन बेल्ट होती है, ठीक है। दिस इज अवर अर्थ एंड दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इज अ जोन ऑफ इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ विच ऑरिजिनेट फ्रॉम सोलर विंड। तो जब सोलर विंड हमारे मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है अर्थ के, तो कुछ चार्ज पार्टिकल्स यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, इन बेल्ट्स में। तो इन चार्ज पार्टिकल्स की बेल्ट को हम बोलते हैं वैन एलन बेल्ट्स, ठीक है। नाउ बाय ट्रैपिंग द सोलर विंड, द बेल्ट डिफ्लेक्ट द एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड प्रोटेक्ट द एटमोस्फेयर, ठीक है। तो एक मेन काम तो हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ये है कि चार्ज पार्टिकल से बचाती है अर्थ को, हमारी मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ये बेल्ट किसके लिए हार्मफुल है? सैटेलाइट्स के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, और कुछ कुछ सैटेलाइट्स काफी हाई, उनका जो ऑर्बिट पाथ रहता है वो काफी हाई रहता है, तो ये इन बेल्ट से होके उन्हें बचना पड़ता है, ठीक है। सो द बेल्ट एंडेंजर सैटेलाइट्स विच मस्ट हैव देयर सेंसिटिव कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड विद एडिक्वेट शील्डिंग इफ दे स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम नियर दैट जोन। तो सैटेलाइट्स के लिए ये हार्मफुल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं ऑरोरास की। तो पोलर अरोरास क्यों लिखा गया है यहाँ पे, ये पोलर अरोरास क्योंकि पोल्स में अरोरा दिखते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आप कनाडा की तरफ या नॉर्दर्न जो कंट्रीज है वहां की तरफ जाएंगे, तो रात में आपको अरोरा फिनोमेना दिखेगा, यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है, जहां ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट्स दिखती हैं स्काईज में, ठीक है। तो जो फ्लो पार्टिकल्स होता है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स होती हैं एक्स रेज गामा रेज में, तो सन की एक्टिविटी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सन है, ये हमारी अर्थ है, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स आते हैं और ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर जाते हैं पोल की तरफ, ठीक है ना, पोलर कस्प। तो जब ये एक्टिविटी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है पोल में, तो यहाँ ये धीरे धीरे हमारे एटमोस्फेयर, जो हमारा एटमोस्फेयर होता है, वहां सीप कर जाते हैं। और जब ये हमारे एटमोस्फेयर से टकराते हैं, तो वहां क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। गैस के जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह जो भी जितनी भी गैसेस होती हैं, वहां ये इनसे रिएक्ट करते हैं और उन गैसेस को चार्ज कर जाते हैं, ठीक है। सो एक्साइट करते हैं एटमोस्फेयर की गैसेस को, और जब हमारी एटमोस्फेयर की गैसेस एक्साइट होती हैं और उसके बाद वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाती हैं, तो ये फिनोमेना हमारा होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन दे ड्रॉप बैक टू अ ग्राउंड स्टेट दे एमिट अ लाइट विच इज विजिबल एट वेरियस वेवलेंथ्स, ठीक है, विच गिव राइज नियर द पोल्स टू स्पेक्टेकुलर फ्लैशेस एंड क्लाउड्स ऑफ मेनी कलर्स, द पोलर ऑरोरास। सो अगर हम स्पेस से देखेंगे, तो ये टू कलर्ड रिंग्स दिखेंगी पोजिशन अबव द अर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक है। सो अगर मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है ये दो कलर्ड रिंग्स, अगर आप स्पेस से देखेंगे तो समथिंग लाइक दिस दिखेगा। और यहीं पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है। ओके, नाउ पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं वेस्टवर्ड एंड नेगेटिव आयन्स ड्रिफ्ट ईस्टवर्ड, गिविंग राइज टू रिंग करंट। दिस करंट रिड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एट द अर्थ सरफेस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ये फिनोमेना होता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा वीक नहीं होता है। कुछ कुछ ये पार्टिकल हमारे आयनोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर का अपर पार्ट होता है, वहां भी कोलाइड करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। दिस रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वही बात है कि
ऑरोरास कैसे होते हैं? एक्साइटेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। और पोलर पोल में क्यों होते हैं? सब अभी हमने बताया, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे हाई होता है, तो इसीलिए हमें इक्वेटर वगैरह में ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है। तो अब अगर आपको ये फिनोमेना देखना है तो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह में जाना पड़ेगा, या अगर आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा देखते हैं कि मैग्नेटिज्म कैसे आता है। आपको पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये स्पिन करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, एक डाइपोल मोमेंट जनरेट करता है, उसी की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन है, रोटेट कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल बन गया मैग्नेट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है कि क्योंकि हमारा अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, लिक्विड आयरन है, और आयरन क्या होता है? हमारा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, यहां पे आपको पहले एक ब्रीफ कर देता हूं। वैसे सभी को पता होगा कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल होता है, तो अगर किसी कॉइल किसी भी कंडक्टर में करंट जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप भी आप देख रहे हैं ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है रेड लाइंस में, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, ये हमारा फैक्ट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, तो इसी फिनोमेना पे ये काम करता है। तो होता क्या है कि अर्थ का जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड आयरन, एंड ड्यू टू कन्वेक्शन एंड कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पे ये लिक्विड आयरन क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल लाइंस में। एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ ही क्यों जनरेट होता है, मतलब उसी फैशन में क्यों जनरेट होता है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये कॉलम्स बन जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, समथिंग लाइक दिस, आप ब्लू रिबन्स देख रहे हैं ना। सो ये करंट जनरेट हो रहा है लिक्विड आयरन का, एंड यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, ओके। सो कन्वेक्टिंग मेटल क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट्स विच इन टर्न क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस हाइपोथेसिस रिक्वायर द कोर टू बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर सिलिकेट रॉक इज जनरली पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सिलिकेट क्यों दे रखा है? क्योंकि हमारा क्रस्टल एरिया जो होता है वो सिलिकेट का बना होता है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली ये एविडेंस भी क्या है कि कोर हमारा मेटेलिक है, ठीक है। सो दोनों चीजें एक दूसरे को प्रूव करती हैं। और पढ़ते हैं मैकेनिज्म, पढ़ते हैं इसका अच्छे से। तो फ्लो ऑफ लिक्विड आयरन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट्स विच इन टर्न प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। चार्ज मेटल पासिंग थ्रू दीज फील्ड गोन टू क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट्स ऑफ देयर ओन। सो एक सेल्फ सस्टेनिंग डायनामो की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, सेल्फ सस्टेनिंग लूप है, यानी कि खुद ब खुद इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगेन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द स्पायरल मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल कॉज्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक रफली अलाइन करते हैं नॉर्थ टू साउथ पोल में, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। देन हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेट मी जूम इट। सो यहां पे हम देखेंगे कि डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो हमने इसको वेक्टर्स में तोड़ा और रिजल्टेंट जो फोर्स है वो दिस वन है, ठीक है, यहाँ पे ये है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को दर्शा रहा है, दिस वन, दिस जेड वन इज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल इंटेंसिटी को, एंड दिस हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी को, और ये हमारा नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। डिक्लिनेशन क्या होता है, नॉर्थ जो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वहां से कितना दूर है हमारा मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, दिस इज नोन एज डिक्लिनेशन, और डिप इज नोन एज टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना डिप कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम डिप भी बोलते हैं और इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, ओके।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और आगे हम शायद नेक्स्ट पार्ट लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे मैग्नेटिक रिवर्सल्स को, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू.